आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उत्पम, वो भी बचे हुए चावलों से बनाएंगे हम, और खाने में इतना टेस्टी लगेगा। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहे और देखें मैंने इसको कैसे बनाया। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये एक कप बॉयल चावल लिए जो कि मेरे पास बचे हुए थे, इनको मैं मिक्सी जार में डाल लूंगी। जिस कप से मैंने एक कप चावल लिया था तो 1/4 कप मैंने दही ले लिया, तो इसके साथ मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी चावल का। मैंने चावल और दही का ये पेस्ट बना लिया। तो एक कप जैसे मैंने चावल लिया था, 1/4 कप मैंने दही ली थी, तो आधा कप मैंने सूजी लिया। अब इसको मैं बॉल में ट्रांसफर कर दूंगी। अब इसमें सूजी को मिक्स कर लेंगे। सूजी को हमें पीसना नहीं था, इसका बैटर अब बना लेंगे। और इसका बैटर भी हमें गाढ़ा ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना, इसलिए हम साथ साथ हल्का हल्का पानी मिलाएंगे। बैटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि सूजी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 15-20 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे, उसके बाद 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको रेस्ट के लिए छोड़ा था। तो सूजी अच्छे से फूल रही है, सॉफ्ट भी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखनी है हमें, ना ज्यादा गाढ़ी ना ज्यादा पतली, तभी हमारे उत्पम अच्छे बनेंगे। अब इसमें नमक डाल रही हूँ, बारीक चॉप्ड अदरक जो काफी बारीक कर लिए थे मैंने, और करी लीव्स को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसका फ्लेवर उत्पम में बहुत अच्छा आता है। और ये ग्रीन चिलीज लिए मैंने, ये भी टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज्यादा कर सकते हो। ये अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब हम इसका थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे इसमें, और उसके बाद हम इसके उत्पम बनाएंगे। 1/4 टेबलस्पून मैं बेकिंग पाउडर मिक्स कर रही हूँ। तवे को मैंने गरम कर लिया, तवा मैंने नॉन स्टिक लिया, आप कोशिश करना नॉन स्टिक पे ही इसको बनाओगे तो अच्छे बनेंगे। बैटर को ज्यादा फैलाना नहीं है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे इसको। इसके ऊपर मैं ये वेजिटेबल्स डालूंगी, वेजिटेबल्स आप कोई भी ले सकते हो अपनी चॉइस की। मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज लिए हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई से भी रख सकते हो। थोड़ा सारा धनिया, इसको हल्का सा वेजिटेबल्स को हम प्रेस कर देंगे। फ्लेम को मैंने लो कर दिया, इसके साइड्स में हल्का सा ऑयल लगा दूंगी मैं। इसके साइड्स को हल्का हल्का छुड़ा लेंगे जिससे कि हमें पलटने में आसानी हो। इसको हल्के हाथ से केयरफुली पलटना पड़ेगा जिससे कि अच्छे से पलट लिया मैंने। हम लोग फ्लेम पर हम इधर से भी पका लेंगे। अब मैंने फ्लेम को हाई कर दिया, तो दोनों तरफ से पकाकर हम इसको उतार लेंगे। दोनों तरफ से पक गए तो इसमें तो मैं प्लेट में निकालूंगी। हम दूसरा भी बना लेंगे। सबके साथ हल्का सा पैक कर लेंगे। उस
का भी पलट लेंगे। सेकंड वाला भी हमारा रेडी हो गया। तो देखा आपने कितनी अच्छी रेसिपी मेरी बनकर तैयार हुई है, जो कि मैंने बचे हुए चावलों से बनाई है। देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, उतनी ही ये खाने में भी टेस्टी है। आप भी जरूर इसको ट्राई करना और बताना मेरे को आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।